हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की मेरी रेसिपी है कस्टर्ड केक इन अ पैन। तो आइए देखते हैं उसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। मैंने इंग्रेडिएंट्स में लिया है एक कप मैदा, एक कप कैस्टर शुगर जो आप घर में चीनी को पीस के बना सकते हैं, आधा कप वेजिटेबल ऑयल, आधा कप कस्टर्ड पाउडर, कुछ काजू जो मैंने रफली चॉप कर लिए हैं, एक टीस्पून बेकिंग पाउडर, आधा टीस्पून बेकिंग सोडा, कुछ होममेड टूटी फ्रूटी और एक कप मिल्क। तो केक का बैटर बनाने के लिए मैंने एक बड़ा सा मिक्सिंग बोल लिया है, उसमें मैं ऐड करूँगी अपनी कैस्टर शुगर, वेजिटेबल ऑयल और इन दोनों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो मैं इसको इतना मिक्स करूँगी कि ये जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा फ्रॉथी हो जाए और ये थोड़ा लाइट वेटेड सा लगने लगे। कुछ इस तरीके का टेक्स्चर होना चाहिए आपके वेजिटेबल ऑयल और शुगर को मिक्स करने के बाद। ये बनाने के बाद मैंने मिक्सिंग बोल के ऊपर एक छन्नी ली है, उस छन्नी के ऊपर मैं डालूंगी मैदा, कस्टर्ड पाउडर, बेकिंग पाउडर एंड लास्ट में बेकिंग सोडा और इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से छान लूंगी। छानने के बाद सारी चीज़ों को थोड़ा सा मिला दीजिए और मिलाने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी मिल्क जो कि मैंने रूम टेम्परेचर पर लिया हुआ है। मिल्क एक साथ नहीं मिलाइएगा, मिल्क को आप ग्रेजुअली एक दो पार्ट्स में करके तब मिलाइए। मैंने मिल्क को दो पार्ट्स में करके तब मिलाया है और उसको अच्छे से मिलाइए, इतना अच्छे से मिलाइए बैटर और मिल्क को कि कोई भी उसमें लंप ना रह जाए। ये देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। मैं इसमें काजू के टुकड़े ऐड कर दूंगी और उन्हें अच्छे से बैटर में मिला दूंगी। ये मिलाने के बाद केक का बैटर एकदम तैयार है केक टिन में जाने के लिए। मैंने यहाँ पे एक केक टिन लिया हुआ है जिसको मैंने पार्चमेंट पेपर लगा के रखा है नीचे से और अब मैं इसकी एक बार कोटिंग कर दूंगी वेजिटेबल ऑयल से। वेजिटेबल ऑयल से ग्रीसिंग करने के बाद मैं ये केक बैटर जो है वो केक टिन में डालूंगी और उसे गार्निश कर दूंगी ये टूटी फ्रूटी जो मैंने होममेड बनाई हुई है। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो इसका वीडियो, उससे मैं इसे गार्निश कर दूंगी। गार्निश के बाद मैं केक टिन को दो तीन बार पैट कर रही हूँ जिससे कि उसमें कोई भी एयर बबल्स नहीं बनेंगे। मैंने एक पैन लिया है जिसके सरफेस पे मैंने नमक बिछाया हुआ है और ये 10 मिनट से गर्म हो रहा है। उसके बाद मैं ये जाली रखूँगी और जाली के ऊपर केक टिन को रखूँगी। केक टिन को थोड़ा सेट कर लेती हूँ, इसके बाद मैं इसके लिड को ढक दूँगी और ढकने के बाद मैं जब भी केक बनाती हूँ तो मैं अपने इस पैन को आटे की हेल्प से बंद कर देती हूँ सो दैट कि उसमें कोई भी जगह ना बचे कि वहाँ से वो एयर निकल सके। अब केक को मैं 30 मिनट के लिए बेक होने के लिए छोड़ दूँगी। 30 मिनट के बाद मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और इसे थोड़ी देर ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद मैंने एक फोक की हेल्प से जो आटा था उसके जॉइंट पे थोड़ा सा पैट किया है जिससे कि वो टूट जाए और तोड़ने के बाद मैंने ढक्कन खोला और ये देखिए कितना अच्छा फ्लफ़ी मॉइस्ट केक बना है। अब मैं केक को एक टूथपिक की हेल्प से चेक कर लेती हूँ। ये देखिए मेरी टूथपिक जो है वो एकदम क्लीन बाहर आई है तो इसका मतलब हमारा केक अच्छे से बेक हो गया है। अब मैं इसे क्लोज़ करके थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। जब केक पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तो आप केक को मोल्ड से बाहर निकालिए। ये देखिए कस्टर्ड केक बिल्कुल तैयार है। अब मैं इस केक की थोड़ी सी आइसिंग कर देती हूँ और इसे रेडी टू बी सर्व वाला लुक दे देती हूँ। If you like the recipe, please share your feedback with us. Thank you.